प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में एक सप्ताह के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है। इसके नियम जो पहला लॉकडाउन था उसमें कुछ और जोड़ कर ये जारी रहेगा। 11 आदमियों के साथ एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। शादी और संस्कार में केवल 11 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी। कोई जुलूस कोई बारात इसमें निकालने नहीं दिया जाएगा और भी सख्त कानून इसके लिए बनाए जाएंगे। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है एक सप्ताह के लिए, 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक ये लागू रहेगा। इसके नियम जो पहला लॉकडाउन था उसमें कुछ और नियम जोड़ दिए गए हैं, उसके साथ ये जारी रहेगा। 11 से ज़्यादा आदमियों के एकत्र होने पर हर स्थान पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी में भी केवल 11 आदमी जा सकते हैं और मृत्यु में भी, फ्यूनरल में भी 11 आदमी जा सकते हैं। कोई जुलूस कोई बारात इसमें निकालने नहीं दी जाएगी और भी सख्त कानून इसके। BPL परिवारों के कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान 5,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाने को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि BPL परिवारों का इस दौरान कामकाज भी बंद हो जाता है और कोविड में उनको घर में आइसोलेशन में रहना पड़ता है, जिससे उनको कठिनाई आ रही थी और इसलिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। BPL परिवार से नीचे लोगों के लिए उनका काम धंधा भी बंद हो जाता है और कोविड में उनको घर में आइसोलेशन में भी रहना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई आ रही थी, इसलिए उनको 5,000 रुपये। चंडीगढ़ PGI को 3 MT ऑक्सीजन दिए जाने पर चंडीगढ़ के प्रशासक BP बदनौर द्वारा हरियाणा सरकार का आभार जताए जाने पर अनिल विज ने कहा कि ये महामारी का दौर है और हमें मिलजुल कर लड़ना है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हम तो पहले दिन से ही सहयोग करते आ रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में दिल्ली के मरीज इलाज करवा रहे हैं और हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबका इलाज करते हैं, यह महामारी है और इसमें सबकी मदद करनी चाहिए। नहीं देखिए, ये महामारी है और ये हमें मिलजुल कर ही लड़नी है, एक दूसरे का सहयोग करके ही लड़नी है और हम तो पहले दिन से सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के मरीज इलाज करवा रहे हैं और हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्योंकि ये महामारी है। इसमें ये महामारी जो कितनों की ही जिंदगी ले चुकी है, उस महामारी में मरीजों के इलाज के लिए जो डॉक्टर नर्सें या अन्य कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं उनकी तरफ भी समाज का ध्यान जाना चाहिए, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, ये कहना है मंत्री अनिल विज का। उन्होंने कहा कि मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और उनको हर बार सैल्यूट करता हूँ। नहीं देखिए, इस तरफ समाज का ध्यान जाना चाहिए कि वो महामारी जो कितनियों की जिंदगी ले चुकी है, उस महामारी के मरीजों को इलाज करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनकी ओर भी समाज का ध्यान देना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बार बार। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।